एक्सपेरिमेंट इज ऑन अ वेरी गुड लेवल एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है. लाइक इनिशियली लो आरपीएम से टॉर्क जनरेट करी है गाड़ी, तो बिल्कुल भी ऐसे मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मेरे को हाई आरपीएम पे नहीं जाना पड़ा है. एंड सिटिंग बोलूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग है. आफ्टर राइडिंग में ड्यूक 250 काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है मेरे को, इवन दो दिस इज़ अ फेयर्ड मोटरसाइकिल, फुल फेयर्ड मोटरसाइकिल. टर्निंग रेडियस भी मेरी ड्यूक से कम है, दैट्स अ गुड थिंग. गाड़ी का फेयरिंग का तो पता है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ट्रैफिक से कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी. पिकअप इज गुड, विंडशील्ड ज़्यादा हेल्प नहीं करता बट एस्थेटिक्स पे हेल्प कर रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग. राइट नाउ दिस का कंसोल तो बंद है, तो शोरूम का गाड़ी है 4,500 आरपीएम, गोइंग गुड. मैनूवर करना इज प्रिटी इजी. वाइब्रेशंस काफ़ी कम है, जैसे कि आने वाला सुजुकी के इंजन बहुत रिफाइंड होता है बिकॉज इट्स अ जापनीज मोटरसाइकिल. ये सेम टर्न पे मेरे को मेरी ड्यूक घुमाने में मौत आ रही थी, ये एक बार में ही घूम गई. क्लचेज ऑन अ लाइटर साइड, पावर डिलीवरी इज़ प्रिटी ग्रेजुअल, एकदम से पिकअप नहीं मिल रहा है. पीछे क्या? पीछे क्या? ओ सीट हाइट भी काफ़ी कम है, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए अच्छा रहेगा. Hi, what's your name? Neeraj. Neeraj. Hi, welcome to the bucket list. So today we have the new Gixxer 250. So this is the BS4 variant, and I think in the first quarter of next year, Suzuki will launch the BS6 version also. So इसके इंजन के बारे में सर कुछ बताइए नीरज. इंजन की बात की जाए तो 250cc का इंजन दिया गया, ऑयल कूलिंग सिस्टम यूज़ किया गया है. ओके, ऑयल कूल्ड है. या एंड सिक्स स्पीड गियर बॉक्स रहेगा. सिक्स स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है. ओके, तो अभी मैंने जैसे चलाई थी गाड़ी, टेस्ट ड्राइव लिया, तो आफ्टर राइडिंग में ड्यूक 250 इसका रिफाइनमेंट लेवल उससे बेटर है, एंड इसका जो पावर प्रोड्यूस होता है जो कि हॉर्स पावर दिया गया 26.5 9000 आरपीएम पे. ओके, और टॉर्क की बात की जाए तो 22.6 दिया गया 7500 आरपीएम. हाँ, तो कंपैरेटिवली इसका जो पावर जनरेट होता है वो काफ़ी कम आरपीएम पे जनरेट होता है, तो आपको बिल्कुल भी क्या कहते हैं स्ट्रगल नहीं करना पड़ता सिटी ट्रैफिक में कम्यूट करते हुए. एंड इसमें जैसा कि देखा है आपने, आगे जो ब्रेक और पीछे जो ब्रेक है वो डुअल चैनल एबीएस है. डुअल डिस्क, डुअल चैनल एबीएस दिए गए. आगे का 280 एंड पीछे का 230mm डिस्क ब्रेक है. एबीएस आप देख सकते हैं, ये एबीएस रिंग है. एंड पीछे का जो रियर टायर है वो है अपना 150mm का, और आगे का 110mm का है. तो पीछे है 150x60, आगे है 170x10. एंड इसके टैंक तो 2 लीटर फ्यूल टैंक दिया गया है. तो इसका माइलेज वगैरह कितना तक एक्सपेक्टेड है सिटी में? एक्सपेक्टेड माइलेज है 35 to 40. 35 to 40, तो मतलब फ्यूल रेंज कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा आ जाएगा 12 लीटर टैंक में. और इसमें जो लो फ्यूल जब कंसोल में बताता है तो कितना? 1.5 लीटर में लो फ्यूल बताएगा, तो दैट्स अ गुड थिंग. इसमें जो इंजन इसका बोलूँगा मेरे को बहुत पसंद आया, बिकॉज इसका जो स्मूथनेस था वो बहुत अच्छा है. एंड SOCS जो सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम है, जो सुजुकी का ही है, सिस्टम यूज़ किया गया है वो अच्छा सिस्टम है, का मतलब उसका जो रिफाइनमेंट है वो अलग है. हेडलाइट की बात करें तो फुल LED हेडलाइट दिया हुआ है इसमें, ABS का लोगो यहाँ पे है. फुल LED हेडलाइट फॉर बेटर व्यू.
रात में चलाने में आपको काफ़ी इजीनेस और रहेगा। डुअल पोर्ट एग्जॉस्ट, अपना नॉर्मल मोनोशॉक सस्पेंशन है सर, ये एडजस्टेबल है या नहीं? सेवन स्टेप एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन दिया गया है। ओके, सेवन स्टेप एडजस्टेबल, तो अगर आपको सीट हाइट ऊपर नीचे करना है तो कर सकते हो एडजस्टेबल करके। ओके, एंड आगे इसमें नॉर्मल टेलीस्कोपिक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 41 mm के 41। नॉर्मली अपना वी स्ट्रो में हाईबुजा में यूज किए जाते हैं वो सस्पेंशन, इसमें यूज किए गए। ओके सर, इसका जो सीट हाइट है वो कितना है? 800 mm दिया गया है, जो मोनो सस्पेंशन पे वर्क करता है। सेवन स्टेप एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन दिया गया है, आप किसी भी ऑथराइज सर्विस स्टेशन में जाते हो तो आपको एडजस्ट करके मिल जाएगा अप एंड डाउन। अच्छा, मतलब अगर राइडर छोटा है तो अपने हिसाब से कम भी करा सकता है, ऊपर भी करवा सकता है, दैट्स अ गुड थिंग। कंसोल दिखाऊं मैं तो, दैट्स द कंसोल, गो या गियर्स, आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर है, आरपीएम मीटर है, फ्यूल मीटर है, यहाँ पे अपना ओडो स्टार्ट है, टाइम है, उसके बाद अपना स्पीडोमीटर है। यहाँ सेट करेंगे तो अपना ट्रिप ए, ट्रिप बी, दो ट्रिप दिए हुए हैं, प्लस सर्विस इंडिकेटर है। ओके, तो यहाँ पे जो ब्लैंक है अभी, क्योंकि ये गाड़ी शोरूम का है तो दिखा नहीं रहा, नहीं तो यहाँ पे सर्विस इंडिकेटर भी है कि अगर आपकी गाड़ी को कब सर्विस का ज़रूरत पड़ता है तब। और यहाँ पे ABS के लिए भी है, अगर ABS चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब, और कुछ भी मैल फंक्शनिंग हुआ गाड़ी में तो आपको कंसोल में बता देगा। सो इफ यू कैन सी इनसाइड, दैट्स ऑन द राइट साइड इज़ द एयर कूलर, ऑयल कूलर सॉरी, एंड दैट हेल्प्स इन द कूलिंग ऑफ दिस बाइक, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि आपको थोड़ा मेंटेनेंस का खर्चा ही बच जाएगा। एंड सुजुकी है तो आपको हीटिंग का ज़्यादा इशू होगा नहीं, जैसा कि मेरा ड्यूक में होता है, ये गाड़ी का पावर डिलीवरी इतना अच्छा है कि हीटिंग का कुछ इशू ही नहीं है। गाड़ी दिखता नहीं है जब सामने से देखा जाए तो। हाँ, काफ़ी हेडलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाई बीम पे किया तो भाई दिखना बंद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू नीरज।